खबर शिवपुरी के जिला चिकित्सालय से है। यहां बताना होगा कि जिला चिकित्सालय में एक युवक को भर्ती कराया गया है। युवक के हाथ में गोली लगी है, वहीं युवक का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुरी उम्र 60 साल निवासी ग्राम पचावला थाना रन्नौर ने बताया कि आज सुबह 11 बजे वह अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी आरोपी भरोसा बाड़ई एवं उसके साथी अरविंद बाड़ई, संतोष बाड़ई, छोटू बाड़ई और अरविंद बाड़ई का लड़का आया और सभी के हाथों में हथियार थे। एक के हाथ में सरिया, एक के हाथ में कुल्हाड़ी, एक के हाथ में बका और भरोसा बाड़ई के हाथ में कट्टा था, जिससे भरोसा बाड़ई ने घर पर बैठे लक्ष्मणपुरी में गोली मार दी, जिससे लक्ष्मणपुरी के हाथ में गोली लगी और लक्ष्मणपुरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। अब लक्ष्मणपुरी की हालत में सुधार है। लक्ष्मणपुरी ने बताया कि उसने 9 साल पहले किसी काम को लेकर भरोसा बाड़ई को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बार बार मांगने के बाद भी वो पैसे वापस नहीं कर रहा था। अभी 2-3 दिन से लगातार पैसों की मांग लक्ष्मणपुरी द्वारा की जा रही थी, जिसके एवज में लक्ष्मणपुरी को घर पर आकर भरोसा बढ़ाई एवं अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी। लक्ष्मणपुरी पचावला, ये घटना हुई है आपके साथ, क्या घटना हुई है? मैं मेरे द्वार पर बैठा था, भरोसा बढ़ाई, अरविंद बढ़ाई, संतोष बढ़ाई, छोटू एक लड़का और है तो अरविंद बाड़ाई को ये आए, एक के हाथ में सरिया है तो एक के में कुल्हाड़ी, एक के में वो न्यानो, एक के में बका और भरोसा बाड़ाई पे कट्टा है तो कट्टा से गोली दे दी। इस बात को लेके मारपीट की? मेरे 1 लाख रुपये चाहिए थे, 9 साल हो गई, पैसा मांगे तो गोली मार दी। कब की घटना है? आज 11 बजे।